क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, इफ 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2xy प्लस 9 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ 4x³ माइनस yq प्लस x² वाई स्क्वायर इज। अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में क्या दिया था, यही है ना कि 2x² प्लस y² प्लस 6x माइनस 2xy प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में ये बात है कि अपने पास इक्वेशन तो एक ही है लेकिन वेरिएबल दो है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक इक्वेशन से दो वेरिएबल का वैल्यू निकाल सको, ये तभी पॉसिबल है जब कोई स्पेशल केस हो रहा हो। स्पेशल केस बोले तो जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ पे ए का वैल्यू भी 0 होगा एंड बी का वैल्यू भी 0 होगा, समझ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख पाएंगे कि x² प्लस y² माइनस 2xy है प्लस x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अगर अभी आप ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट तीन टर्म जो है ना वो मिलके हो जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर, फिर x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब कि x माइनस वाई का वैल्यू भी 0 होना चाहिए और x प्लस 3 तो 0 होगा ही। यहाँ से क्या पता चला कि x का वैल्यू माइनस 3 है और a बोल रहा है कि x एंड वाई इक्वल होगा, तो y का वैल्यू भी माइनस 3 हो गया। अभी x एंड y दोनों माइनस 3 है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो 4 इंटू माइनस 3 होल क्यू माइनस ऑफ माइनस 3 होल क्यू प्लस माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 टू डी पावर 3 माइनस में प्लस 3 टू डी पावर 4, तो आंसर आ गया 0। सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए। तो बात समझ में आ गई कि अगर एक इक्वेशन में एक से ज़्यादा का वैल्यू निकालना है वेरिएबल का तो पॉसिबल है, चांसेस यही है कि कोई बाउंड्री वैल्यू पे सॉल्व हो रहा हो। जैसे यहाँ पे ए का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 में ए एंड बी दोनों 0 होना चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।